हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे तीखी चटपटी लहसुन की चटनी। ये इतनी तीखी चटपटी है और टेस्टी भी है, तुरंत इसे देखकर ही खाने का मन करता है। और ये इतनी शानदार लगेगी कि आप इसे समोसा, कचौरी, इडली, डोसा के साथ भी खा सकते हैं, और आप इसे लंच या डिनर में रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है और आप इसे एक महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे लाल मिर्च। इसे मैंने 2 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखा था, तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो गई है। अगर आपको जल्दी है तो आप इसे आधे घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो सकते हैं, उससे भी ये बहुत ही जल्दी सॉफ्ट होगी। आप इसके लिए कोई भी मिर्ची का यूज कर सकते हैं। अभी ये अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, तो अब हम इसका पानी जो है वो निकाल लेंगे। तो इसे मैंने छान लिया है और इसका पानी अलग किया है। इस पानी को हमें बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, इस पानी को हम बाद में यूज़ करेंगे चटनी बनाने के लिए। और इसे ऐसे ही हम छन्नी में छोड़ देंगे ताकि इसमें से पूरा पानी निकल जाए। इसके बाद हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे 1/2 कप तेल। यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है। लहसुन की चटनी बनाने के लिए आप सरसों का तेल या फिर मूंगफली का तेल ही यूज़ करें, उससे हमारी चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है। इसे हम अच्छे से गर्म होने देंगे। आप देख सकते हैं इसमें से अच्छे से धुआं आने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप लहसुन छिले हुए। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हमने बहुत ज़्यादा तेल का यूज़ किया है, लेकिन हमें इस चटनी को स्टोर करके रखना है तो हमें ज़्यादा तेल ही यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। लहसुन को हम तेल में अच्छे से भून लेंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इसे भी हम लहसुन के साथ ही थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे तेल में। गैस का फ्लेम लो ही रखें। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी इमली। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको चटपटा फ्लेवर चाहिए तो ही आप इसे डालें। साथ ही हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच धनिया। इसके बाद हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। इसे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा हमारी चटनी में। इन सबको हम लो फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। इन सबको हमें तब तक भूनना है जब तक कि लहसुन का जो कच्चापन है वो निकल ना जाए और सारे जो मसाले हैं वो अच्छे से रोस्ट ना हो जाए। थोड़ी ही देर में हम देखेंगे इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे हमारी मिर्ची जो हमने भिगो के और पानी निकाल के रखी थी। इसे भी हम सारे मसालों के साथ अच्छे से रोस्ट करेंगे। मसालों को भूनने से इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ती है और इसका फ्लेवर भी दुगना हो जाता है, तो आप इसे लो फ्लेम पे ज़रूर भूनें। इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए और भून लेंगे अच्छे से। 2-3 मिनट बाद आप देख सकते हैं इसका कलर अच्छे से चेंज हो गया है। अब हम गैस बंद करेंगे और इसे पूरा ठंडा होने देंगे। यहाँ पे ये पूरा ठंडा हो गया है। अब हम इसे मिक्सचर जार में डालेंगे और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। हमें इसका दरदरा पेस्ट बनाना है। ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि आपको उसे कैसे पीसना है। अगर आपको पूरा पेस्ट चाहिए तो आप उसके हिसाब से उसे पीसें। मैं इसे थोड़ा सा दरदरा रखूँगी। इसमें हम डालेंगे स्वादानुसार नमक और डालेंगे यहाँ पर पानी जो हमने मिर्ची भिगोने के लिए यूज़ किया था। यहाँ पे हम लहसुन की गीली चटनी बना रहे हैं, इसलिए हम पानी का यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको सूखी चटनी बनानी है तो आप इसे बिना पानी के ही ग्राइंड कर लें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसे थोड़ा सा दरदरा ही रखा है। लहसुन की चटनी ऐसे ही खाने में मज़ा आता है। अब हम फिर से वही कढ़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल। इसे हम अच्छे से गर्म होने देंगे। ये अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच राई यानी कि मस्टर्ड सीड और 1 छोटा चम्मच जीरा। साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़े से लहसुन। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन चटनी में थोड़े से ऐसे लहसुन दिखने के बहुत ही अच्छे लगते हैं और खाने में भी टेस्टी लगते हैं। इसे अच्छे से भून लेने के बाद हम इसमें डालेंगे मिर्ची लहसुन का पेस्ट। इस सारे प्रोसेस में आपको गैस का फ्लेम लो ही रखना है। हमें इसे लो फ्लेम पे ही अच्छे से फ्राई करना है।
यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और डाला है क्योंकि मुझे चटनी जो है वो थोड़ी सी सूखी लग रही थी। ये बिल्कुल आपके ऊपर है, आपको कैसी चटनी पसंद है। अगर आपको सूखी पसंद है तो आप इसे बिना पानी के बना सकते हैं, और अगर गीली पसंद है तो आप इसे मिर्ची वाला पानी जो है वो यूज़ करें। इसे हम थोड़ा सा भूनने के बाद इसे ढककर रखेंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें ताकि ये पूरी तरह से अच्छे से पके। 2-3 मिनट बाद आप देख सकते हैं इसमें अभी अच्छे से पक गई है और ये ऑयल भी छोड़ने लगी है। ये पूरा ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है, तो इसका मतलब हमारी चटनी बिल्कुल रेडी है। इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाएं। अब हम गैस बंद करेंगे और इसे पूरा ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारी तीखी चटपटी और टेस्टी स्पाइसी चटनी बिल्कुल रेडी है। तो लग रही है ना बिल्कुल मार्केट जैसी चटनी। आप इसे घर पे बना सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से, और आप इसे 1 महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। लेकिन ये 1 महीने तक रहेगी नहीं, 2-4 दिन में ही ख़त्म हो जाएगी। तो आप इस स्पाइसी और चटपटी लहसुन की चटनी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बहुत ही पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।